को शहर के भटेरा चौकी इलाके में साइट देने के मामले में विवाद के तीन युवक ने एक पिकअप ड्राइवर की चाकू मारकर हत्या कर दी थी और क्लीनर को बुरी तरह घायल भी कर दिया था। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। दरअसल 3 जून को दोपहर में पिकअप ड्राइवर कुछ सामान लेकर भटेरा चौकी जा रहा था कि बस स्टैंड की अराजक यातायात व्यवस्था के चलते एक बाइक सवार से साइड देने के लेकर उलझ गया। वहां तैनात पुलिसकर्मी की समझाइश के बाद ड्राइवर पिकअप लेकर चला गया, लेकिन बाइक सवार दो युवक इस प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाते हुए पिकअप के पीछे पीछे गए और भटेरा चौकी में एक अन्य साथी को बुलाकर ड्राइवर और क्लीनर से मारपीट की। ड्राइवर को चाकू से गोद दिया जिससे उसकी स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि क्लीनर घायल हो गया है जिससे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए थे, जिन्हें कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 आरोपियों में 2 सगे भाई हैं, उनके पास से चाकू भी बरामद कर लिए गए। पूरा मामला किस बाद पुलिस ने कार्रवाई की? 3 तारीख को एक प्रकरण सामने आया था जिसमे की शहर में दिनदहाड़े एक हत्या का मामला सामने आया था। इसमें 3 आरोपी ने 2 लोगों पर हमला किया था, जिसमें कि चाकू धारदार हथियार से हमला होने के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु तत्काल हो गई थी और दूसरे व्यक्ति जो घायल थे। ये तीनों अपना इस घटना को अंजाम देने के बाद लगातार फरार थे और पुलिस ने बड़ी ही सक्रियता से लगभग 1.5 दिन के अंदर ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनसे पूछताछ में उन्होंने बताया कि जब ये रोड से 1 चौराहे से क्रॉस हो रहे थे तो सामने से गाड़ी आने पर किसी बात का इनका वाद विवाद हुआ, गाली गलौज हुई और तुरंत वहाँ पर कुछ लोगों के बीच में बोलने से और साथ में ही बीच बचाव करने से वहाँ तो घटना टल गई, लेकिन कुछ आगे जाकर जब वो लोडिंग वाहन से जो मृतक हैं वो अपनी गाड़ी को अनलोड कर रहे थे आगे वटेरा में, तो वहाँ पर ये लोग पुनः पहुँचे। इन्होंने पुनः उनसे विवाद शुरू किया, साथ ही अपने एक साथी को फ़ोन लगाकर बुलाया और जब वो साथी वहाँ पहुँचा तो वो अपने साथ धारदार हथियार भी लेकर आया हुआ था, खटकेदार चाकू उसके पास था और उसने जो मृतक को तत्काल चाकू से प्राणघातक हमला किया जिससे कि एक जो मृतक है इसमें सुनील उनकी वहाँ पर मृत्यु हुई, साथ में उनके साथी जो थे उनको घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया। कौन कौन आरोपी हैं सर इसमें? इसमें 3 आरोपी हैं, एक तो इसमें मनीष पवार हैं, मोहित पर्वत है और अंकित पर्वत है। मोहित पर्वत और अंकित पर्वत आपस में भाई हैं, दोनों सगे भाई हैं और मनीष पवार है, उनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है, उनके पहले ऊपर 3 साल भी है, उनके ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई थी जिस कारण अब 122 का प्रबंध उनके ऊपर दर्ज किया जाएगा। सर इसमें राजनीतिक रसूख भी इसमें रखते कोई राजनीतिक उसमें? ऐसा इसमें बताया जा रहा था कि जो मनीष पवार हैं उनके पिता राजनीति क्षेत्र में पार्षद रहने जाए तो उसके संबंध में भी जानकारी प्राप्त हुई थी। सर कहाँ से गिरफ्तार किया गया? इनको बालाघाट से ही भटेरा चौकी के पास से गिरफ्तार किया गया। चाकू किचन चाकू था? चाकू खटकेदार चाकू था, किचन चाकू नहीं था।